आपकी स्किन चाहे ड्राई हो या फिर ऑयली, दोनों तरीके की स्किन में आप हर तरीके से उसको मेंटेन करने के लिए किसी न किसी प्रोडक्ट का यूज करते हैं। उसके पीछे आपके तीन उद्देश्य होते हैं कि आप अच्छे दिखें, आपकी स्किन हेल्दी रहे और कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। बट क्या आप जानते हैं कि इन प्रोडक्ट्स के अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे परसेंटेज में मिल सकती हैं जिनकी आप आशा करते हैं। यानी जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको दूसरे प्रोडक्ट से भी मिल सकते हैं। तो आज हम उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप अपनी स्किन को हेल्दी भी रख सकते हैं, ग्लोइंग भी रख सकते हैं और जैसा आप दिखना चाहते हैं, जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं प्रोडक्ट से, वो भी आपकी पूरी होगी। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और अनुभव के आधार पर आपको ये बताने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नेचुरल ऑयल को डायरेक्ट स्किन पर यूज करने के बारे में अगर बात की जाए तो अगर हम पिछले समय में देखें और अपने बुजुर्गों से बात करें तो पता ये चलेगा कि वो अपनी स्किन की केयर और हेयर केयर के लिए नेचुरल ऑयल को ही यूज़ किया करते थे। और उसमें आज भी बहुत सारे एग्जांपल हमारे सामने हैं जिसमें सबसे बड़ा कॉमन एक एग्जांपल है कि अगर कहीं पर जल जाता है और उसके निशान को अगर हमें ख़त्म करना है तो उसमें हम नारियल का तेल या कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी कॉमन। तो इस तरीके के दूसरे भी एग्जाम्पल्स हैं और दूसरे ऑयल्स को लेकर। बट आज के समय में जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उन प्रोडक्ट में जो मॉइस्चर के तौर पर जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो बेसिकली इन्हीं नेचुरल ऑयल में से कोई ना कोई एक ऑयल होता है, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो या फिर वो हमारा कोकोनट ऑयल हो या फिर सेसमे या फिर तिल का ऑयल हो या फिर दूसरा कोई ऑयल, उसी की फॉर्म को यूज़ किया जाता है, उसी की प्रॉपर्टी को लिया जाता है और उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें जैसे कि पैराबेंस, एल्कोहल या फिर ईथर या एथेनॉल, डिस्टिल वाटर, साथ ही साथ हाइलुरोनिक एसिड जैसी कुछ चीज़ें कुछ कंपनीज मिलाती हैं, कुछ कंपनीज दूसरे चीज़ों को ऐड करके एक स्मूथ और खुशबूदार क्रीम और पेस्ट के रूप में तैयार करके प्रोडक्ट्स को बाजार में बेचती हैं जिसे हम और आप यूज़ करते हैं। बट अगर जो नेचुरल जो ऑयल्स हैं जिनको बेस बनाकर इनमें डाला जाता है और जिससे ये आशा की जाती है कि आपकी स्किन अच्छी रहेगी, स्मूथ रहेगी और ग्लोइंग रहेगी, तो अगर हम उनको ही यूज़ करें तो शायद हम इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। नेचुरल ऑयल्स को अगर हम स्किन पर लगाते हैं तो उनके बहुत सारे फायदे भी होते हैं और उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि ये लिपोफिलिक होते हैं, यानी ये स्किन की जो चर्बी होती है उसमें बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वहाँ पर जाके स्किन को हाइड्रेट रखते हैं, उसे सूखने नहीं देते, जिससे कि स्किन चमकदार रहती है और ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक सूखती या ड्राई नहीं होती। दूसरा फायदा इन नेचुरल ऑयल्स में ये होता है कि ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज से भी भरे होते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन में कोई भी इन्फेक्शन किसी भी तरीके का जो बाहरी छूने से या बाहर के वातावरण से जल्दी नहीं होता। साथ ही साथ ये नेचुरल ऑयल आपकी स्किन को लंबे समय तक मॉइस्चराइज रखने के साथ साथ आपकी स्किन में जल्दी झुर्रियाँ पड़ने से आपको रोकते हैं और जो यूवी रेजेस होती हैं, सन रेज, उससे भी आपको बचाते हैं जिससे कि स्किन में जल्दी दाग धब्बे नहीं आते। जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है या फिर अगर हम इस ऑयल को लगाकर कहीं बाहर जाते हैं तो एक सवाल ये भी आता है कि ऑयली स्किन होने से जो धूल मिट्टी होती है वो जल्दी स्किन पर चिपक जाती है और वो हमारे लिए नुकसानदायक है। बल्कि ऐसा नहीं है, अगर आप कोई भी नेचुरल ऑयल स्किन पर लगाकर कहीं जाते हैं या फिर अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वो आपको बाहर के इन्फेक्शन और धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट भी करती है, क्योंकि जब आप घर पर आएंगे उसके बाद जब आप फेस वॉश करेंगे तो जो लेयर ऊपर जमी हुई है जिस भी तरीके की, चाहे वो डस्ट की हो, धुएं की हो, मिट्टी की हो, तो वो सब साफ हो जाएगी और अंदर से स्किन बिल्कुल फ्रेश और साफ निकलेगी, बिकॉज उसमें ऑयल की लेयर की वजह से अंदर इन्फेक्शन पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो ये बहुत अच्छा स्किन को प्रोटेक्ट करने का तरीका है। बल्कि कुछ लोगों में इसके प्रति जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, बल्कि नेगेटिविटी ना रखें बल्कि इसको पॉजिटिव लें कि जिन लोगों की स्किन ऑयली है वो ज्यादा अच्छी होती है और ऐसी स्किन में जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और वो ऑयल उनकी स्किन को चमकदार और साथ ही साथ स्किन में ग्लो भी रखता है।
अब जान लेते हैं कि कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सा नेचुरल ऑयल बेटर है और कौन सा हमें खरीदना चाहिए। तो इसमें अगर आपकी नॉर्मल स्किन है और ना ज़्यादा ड्राई है और ना ज़्यादा ऑयली है, तो ऐसी स्किन के लिए सबसे बेटर और जो सबसे पहला ऑप्शन है वो कोकोनट ऑयल है। बिकॉज कोकोनट ऑयल एक्स्ट्रा जो हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है ऑयल, उसको भी कंट्रोल करता है, यानी एक बैलेंस बना के रखता है, और अगर ड्राइनेस है तो उसको मेंटेन रखता है। तो इसमें आप जो कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है वो आप ले सकते हैं, वो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, और वो किसी भी मौसम में आप यूज कर सकते हैं और ये स्किन को हेल्दी भी बनाएगा और इसकी जो एंटी फंगल और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी स्किन को और हेल्दी बनाएंगी। अब नेक्स्ट आपकी ड्राई स्किन पर बात करेंगे कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा रूखी और सूखी सी रहती है तो ऐसे में हम क्या यूज करें जिससे कि स्किन पर ज्यादा दाग ना हो और स्किन पर झुर्रियां भी ना पड़े और स्किन हेल्दी रहे और ग्लो भी करे। इसमें जो सबसे अच्छा ऑयल है वो है मोरिंगा ऑयल, जिसको कि सहजन की फली का तेल कहते हैं। बट ध्यान रखें कि इसमें आप कोल्ड प्रेस मोरिंगा ऑयल ही खरीदें, ये ड्राई स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए सबसे अच्छा तेल है और इसको आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयली स्किन वालों के लिए कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसके लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन या सबसे अच्छा ऑयल है वो है ग्रेप सीड ऑयल। ये एंटी एजिंग ऑयल भी होता है, बहुत हल्का या कम चिकनाई वाला होता है। इसे रात को सोते समय फेस को वॉश करके और थोड़ा सा तेल आप पूरे फेस पर लगाकर सो जाए। इसको भी आप खरीदते समय ध्यान रखेंगे कि जब आप इसे खरीदें तो ध्यान रखें कि ये कोल्ड प्रेस ग्रेप सीड ऑयल ही होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपको प्योर आलमंड ऑयल स्किन पर यूज़ करना चाहिए। ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है और इससे किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें, साथ ही साथ हमें कमेंट करें जिससे मैं उनके जवाब दे पाऊँ। इन जितने भी ऑयल्स के बारे में आज हमने जाना, ये आपको बड़े स्टोर्स या फिर ऑनलाइन आराम से मिल सकते हैं। इनमें छोटा पैक पहले खरीदें जिससे कि आप उसे आसानी से और कम पैसों में ले सकें। वेल, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और स्किन रिलेटेड इश्यूज पर बात करेंगे और उसमें कुछ अलग और स्किन टाइप, जैसे रेड हो जाती है स्किन, उन पर हम क्या लगाएं, और दूसरे स्किन टाइप और भी हैं उनकी प्रॉब्लम्स पर हम क्या कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और अगर आपने दूसरे हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करें, बिकॉज प्लेलिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने अलग अलग वीडियोस को उसमें जोड़ के रखा है, तो वहां से आपको वीडियो देखने में आसानी रहेगी, जिससे कि आप अपनी च्वाइस के हिसाब से वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो वेल, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग। See you in next video.